नमस्कार दखल साहित्य में आपका स्वागत है मेरे साथ इस समय सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्यकार लेखिका कवियत्री गीता जी स्टूडियो में मौजूद है आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी आप पहाड़ों से आती हैं उत्तराखंड से उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है मतलब वहाँ तो एकदम स्वर्ग है और वहाँ के लोग स्वर्गवासी <laughs> <laughs> हाँ बहुत सारी चीजों में तो अगर मौसम के लिहाज से आप देखें और लोग सीधे साधे हैं उसके लिहाज से देखें तो, सा, साहित्य के लिहाज से भी कहा बिल्कुल, बिल्कुल, जाता है धार्मिक किताबें हैं वो उत्तराखंड का जिक्र तो उसमें बहुत रहता है और हमेशा उत्तराखंड से ही शुरू होती हैं चीजें देखिए जीवन का एक बड़ा कटु सत्य है हरिद्वार लोग हरिद्वार को दूसरी तरीके से लेते हैं लेकिन वो

लोक कलाएं हैं लोक गीत हैं लोक साहित्य हैं तो वो पूरा का पूरा साहित्य की विधाएं हैं तो वो तो प्रचुर मात्रा में है अधिकांश मात्रा में है जिसको हम सहजने की अब कोशिश कर रहे हैं जो हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए तो उसको सब लोग गीता सही जी के बारे में आपको बता दू कि गीता जी ने बहुत छोटी आयु में लिखना शुरू कर दिया था फिर बतौर सामाजिक कार्यकर्ता उत्तराखंड के विभिन्न पहाड़ी इलाकों में दूर दराज के गाँव में आपने महिलाओं के लिए काम किया और महिला समाख्या संगठन से जुड़ के आप लंबे अर्से तक महिलाओं के लिए कार्य करती रही जी तो जब महिला समाख्या में आप काम कर रही थी तो कई प्रसंग ऐसे आते होंगे महिलाओं को लेके कि जो अपने आप, आप लिखने की प्रेरणा दे देते होंगे देखिए क्या होता है जब आप महिलाओं के बीच में काम करते हैं और उनके उनके साथ बहुत गंभीरता से और गहनता से काम करते हैं तो उनकी जिंदगी की कहानियां आती हैं बहुत बार ऐसे होता है कि जब हम महिलाओं के साथ आप और हम तो ऐसा काम करते थे, थे ना उनके चूल्हों पे घुस करके गांव में ही रहते थे गांव गांव में संगठन बनाते थे तो हर किसी चूल्हे तक हमारी पहुंचती तो हमारे पास ऐसी कहानियां आती थी ऐसी उनकी जिंदगी से जुड़े हुए ऐसे ऐसे वाक्य आते थे कि कहानियां अपने आप बन जाती हैं कविताएं है अपने आप बन जाती हैं हमें लगता था कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ये कहानी और ये कविता है जो वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई चीजें थी कहा जाता है कि जीवन जो है वो खुद एक अनकही बहुत खूबसूरत कहानी है और जो जीवन है उससे अच्छी कोई दूसरी कविता नहीं हो सकती आप आपने लिखना कब से शुरू किया मैंने मैं बहुत छोटे से से बचपन कुछ कुछ ऐसे तुकबंदी किया करती थी जब मैं या में पढ़ती थी मेरठ में मेरे पिताजी की पोस्टिंग थी मेरे पिताजी पुलिस में थे तो वहां पर मैंने मैं मैं तब तक जो जिसको हम लुग्डी साहित्य बोलते हैं मुझे मुझे नहीं लगता वो लुग्डी साहित्य है क्योंकि पढ़ाई उसी से शुरू होती है तो उसको पढ़ करके रानू और दत्त भारती और गुलसनंदा को पढ़ करके शिवानी प्रेमचंद रविन्द्रनाथ ठाकुर इन तक पहुंच गई थी तो मैंने शिवानी को पढ़ा तो शिवानी की जो कहानियां हैं उनमें जो पूरा का पूरा परिवेश है वो पहाड़ी परिवेश है उनके नाम पहाड़ी जो वर्णन है वो पहाड़ी तो वो हमारे दिल को बहुत क्योंकि हम पहाड़ में रह रहे हैं वहां का जीते हैं तो वो दिल को छूते थे तो मैंने उनकी नकल करके एक कहानी लिखी हमारे गाँव में एक घटना हुई थी कि हमारे गांव की एक लड़की ने बिल्कुल तो छोटी साल की लड़की थी उसने एक नदी में कूद के छलांग मार के आत्महत्या कर ली थी दो लड़कियों ने एक दूसरे की बांध के तो मैंने वही एक कहानी को अपने शब्दों में ढाल करके लिखा और वो दिल्ली से निकलने वाली एक पत्रिका है अलकनंदा उसमें छप गई वो मतलब मेरी पहली कहानी थी और हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि वो बिल्कुल शिवानी जी की नकल थी वो लेखन शैली से लेकर के उसके अगर हम सौंदर्य देखें कहानी का उतना अकल नहीं थी तमीज नहीं थी लेकिन वो उसकी एक तरह से थी वो छप गई तो मुझे बड़ा उत्साह मिला उसके बाद फिर कहानी कविताएं डायरियों में थी छेड़ोसारी का संकलन करते थे दूसरों का तो वो सब करते करते फिर अलग अलग मैगजीन में छपने लगे घर में बहुत साहित्यिक माहौल था मेरी माँ बहुत पढ़ने वाली मई थी हालांकि वो उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी मगर दादाजी और पिताजी जो थे वो बहुत पढ़ते उन्हें बिना पढ़े नींद ही नहीं आती थी तो जब गांव में भी रहती थी मैं तब भी प, वो पढ़ते एक थे एक होती थी, लोग पढ़ने के लिए तो बहुत किताबें छाप रहे हैं बहुत लोग लिख रहे हैं बहुत लोग ही किताबें लोगों तक पहुंच रही हैं लेकिन मेरा ऐसा अनुभव रहा है कि किताबें बहुत लिखी जा रही है छपी बहुत रही हैं प्रकाशन बहुत खूबसूरत हो गया है सब कुछ है लेकिन किताबें जाती है और

कविताएं भी लिखती थी मैं उसी समय उस उस समय मेरी क, पहली कविता जो है वो साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी उसमें एक बहुत अच्छे फोटो जर्नलिस्ट थे वहां के गढ़वाल के कमल जोशी नाम था उनका तो उसकी फोटो तब तक, तक हम उनको जानते नहीं थे कि कौन है कमल जोशी उनकी फोटो के साथ में मेरी कविता हिंदुस्तान में साप्ताहिक हिंदुस्तान में छपी थी फिर वामा में छपी फिर और जितनी मैगजीन से जो लोकल मैगजीन है पहाड़ की उन सब में तो छपती रहती थी उस तरह जब हमने शुरू करी थी एटीन एटी सिक्स एटी नाइनटीन एटी सिक्स एटी सेवन में तो सबसे पहले जो कविता छपी थी वो मेरी छपी थी और हमारे यहाँ के एक बहुत लोक प्रसिद्ध कवि हुए हैं गिरदा करके रिश्ते वाली गिरदा तो गिरदा ने जब मुझे देखा तो मेरी कविता पढ़ी तो उन्हें लगा कि ये कोई बड़ी महिला होगी और जब मैं उनके सामने गई तो छोटी सी बच्ची बच्ची क्या मतलब यंग सी लड़की तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पकड़े बहनी मैं तो समझता था तू तो बहुत समझदार है कविता कितनी अच्छी लिखी तू तो, तो बहुत छोटी है ऐसे उन्होंने मुझे कहा था तो गिरदा का भी बहुत प्रभाव रहा है उनके तो लेखन का कविता थी जिसके कारण पॉपुलरिटी मिली वो एक ऐसी कविता थी मुझे बहुत ऐसे याद नहीं है वो कविता लेकिन वो पहाड़ की औरतों के ऊपर लिखी हुई थी कविता दो कविताएं थी एक ऐसी कविता थी कि पहाड़ में जो बच्चे होते हैं वो जैसे जैसे वो थोड़ा टीन एज में आते हैं और तो वो क्या करते हैं कुछ चोरी करके क्योंकि पैसा तो होता नहीं था उस समय तो कुछ चोरी करके वो भाग जाते हैं उसको के प्लेन्स की तरफ को और उसके बाद वो प्लेन्स कुछ नौकरी चाकरी करते हैं तो उसमें था कि वो अपनी माँ की नत, हमारे गांव में एक घटना हुई थी कि वो अपनी माँ की नत चुरा के भाग गया था तो एक वो कविता थी मेरी एक कविता ऐसी थी कि पहाड़ की औरतों के लिए कि तुम सशक्त तो हो मजबूत होना चाहिए तुमको लेकिन तुम्हारा जो मजबूत होने का जो तरीका है वो हमारे यहाँ के पुरुषों जैसा नहीं होना चाहिए कि जो शराब पी करके बोलते ना उत्तराखंड के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि सूरज अस्त और उत्तराखंड मस्त।, मस्त हाँ ऐसे कहा जाता है तो वो नहीं होना चाहिए और ये उस कविता का लास्ट में ये था कि तुम जो है अपने दरकते जो तुम्हारे पैर हैं उनको उन पैरों से दरकते पैरों से पहाड़ों को लीप दो इस तरह से कविता थी पहाड़ की औरतों तो वो उस कविता से कोई कविता अपनी आ... आपको याद तो मुझे ऐसे याद नहीं है मोबाइल में कोई कविता हो सकती है देखिए अगर और, मिल जाए हाँ पुरानी कविता कोई हो सकती है तो मैं देखती हूँ तो बाकी कवियों में आपको कौन कौन पसंद है मुझे कवियों में एक नरेश सक्सेना जी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो इतने अच्छे कवि हैं और इतना सरल लिखते हैं इतना अच्छा लिखते हैं कि आप बच्चा भी अगर पढ़ेगा तो उनके उन्होंने छोटे छोटे बच्चों के ऊपर छोटी छोटी घटनाओं के ऊपर इतनी अच्छी कविताएं लिखी हुई हैं तो गिरना है उनकी एक कविता है बहुत शानदार वो तो मुझे नरेश सक्सेना जी बहुत पसंद है विनोद शुक्ल बहुत पसंद है उसके अलावा कुंवर बेचन कुंवर बिचन कुंवर बेचन कुंवर बेचन, कुणर बेचन लिखते थे हाँ कुंवर बेचन बहुत प्रसिद्ध है मुझे बहुत कठिन लगते थे है ना और उसके अलावा अग् भी मुझे बहुत पसंद आते थे और उसके बाद तो फिर वशीर भद्र बहुत पसंद थे और मुनवर राणा बहुत पसंद थे मतलब बाद में एज के हिसाब से आपको आपकी रुचियां बदलती रहती हैं कि आप क्या इस एज में आपको क्या पसंद आता है तो अभी क्या लिख रही हैं आजकल आजकल मैंने लोक कथाओं का संकलन किया है उत्तराखंड की लोक कथाओं का ऐसे तो बहुत संकलन है उत्तराखंड की लोक कथाओं के लेकिन मैंने उन्होंने बिल्कुल अपने दृष्टिकोण से एक स्त्री के दृष्टिकोण से तो उत्तराखंड में जितनी भी लोक कथाएं आपको मिलेंगी उसमें आपको पत्थर भी एक पात्र मिलेगा सियार भी एक पात्र मिलेगा वहां पर शंकर पार्वती की बहुत लोक कथाएं तो, सब तो सब शंकर और पार्वती आपको पात्र मिलेंगे भगवान नहीं, नहीं।, नहीं। उनको सियार भी ठग लेता है एक गीदड़ है वो भी ठग लेगा उनको तो उस तरह के उन सारी कथाओं को और वो सारी प्रकृति से जुड़ी हुई लोक कथाएं हैं तो उन सारी कथाओं का संकलन किया हुआ है अपने दृष्टिकोण से प्रकृति के दृष्टिकोण से एनवायरमेंट के दृष्टिकोण से तो वो वो संकलन अभी संभावना प्रकाशन हापुड़ से आने वाला है बल्कि आज दिन में उस संकलन के बारे में बात चल रही थी आ, आपने लगातार साहित्य सृजन से आप जुड़ी रही पहाड़ों में स्त्री विमर्श करती रही आप आप महिला सशक्त कैसे हैं उसके लिए आप, आ, काम लगातार करती रही अब स्थिति क्या है महिलाओं की देखिए मुझे मेरे दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ऐसे तो जब हमने काम शुरू किया था उस समय हमको पांचवी पास लड़की नहीं मिलती थी अगर टिहरी में हम देखें तो हमको पांचवी पास महिला केंद्र चलाने के लिए हमको पांचवी पास लड़की नहीं मिली ये बड़ी विडंबना उस समय की बात कर रही हूँ मैं नाइनटीन नाइनटी वन की 90 की लेकिन आज आपको दिखेगा तो हर गांव में बहुत लड़की पढ़ी लिखी हैं लड़कियां ग्रेजुएशन है पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है लड़कियों ने लड़कियां प्राइवेट सेक्टर में जो असंगठित क्षेत्र इसको बोलते हैं कहीं एनजीओ में कहीं सरकार के साथ पे जो इस तरह की परियोजनाएं हैं उनमें सब में काम कर रही हैं असंगठित क्षेत्र में बहुत महिलाएं काम कर रही हैं बाजार में अगर हमको दिखती हैं तो बहुत सारी महिलाएं है दिखती हैं क्योंकि उनके हाथ में वो असंगठित क्षेत्र का पैसा है और वो जो है बाजार में खरीदा है हाँ वो सब है हाँ एजुकेशन अगर हम शिक्षा को लिखाई पढ़ाई से जोड़ें तो एजुकेशन का स्तर हमें बहुत ऊंचा लगता है लेकिन मेरी दादी कहा करती थी कि शिक्षा और साक्षरता में अंतर होता है वो कहती थी कि मैंने पढ़ाई नहीं करी तुम्हारे जैसे काले अक्षर में नहीं पढ़ सकती मगर मैं अशिक्षित नहीं हूं तुमको मैंने पैदा किया ना तुमको मैंने पाल पोस के बड़ा किया तो मेरे अंदर शिक्षा नहीं थी तो तुम कैसे बन गए तू अगर लिख पढ़ रही है तो तू कैसे बन गई ऐसे मेरी दादी कहा करती थी तो हमेशा मुझे लगा कि हमें शिक्षा और साक्षरता में हमेशा अंतर करना चाहिए साक्षरता शिक्षा को पहना जरूर करती है मांझती है लेकिन जीवन कौशल एक अलग चीज होती है कि आपका आपके अंदर जीवन के कौन से कौशल हैं आप परिवार को कैसे देखते हैं आप समाज को कैसे देखते हैं आप देश को कैसे देखते हैं आप अपने जो जहां जिन जिस वातावरण में आप रहते हैं उस वातावरण को कैसे देखते हैं उस आपने आसपास के माहौल को कैसे देखते हैं वो एक वैचारिक जो स्तर होता है वो कैसे भी हो सकता है मतलब उस स्तर को आप अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं आपके अंदर कौन सी भावनाएं है, आती हैं वो मुझे लगता है पहली सारे आपके लेखन के विषय हैं जी आप किताब की शक्ल में आप एक किताब तो आप ही आई रही है जी इससे पहले मेरी सबसे पहले मेरी अंतिका प्रकाशन से एक कविताओं की किताब आई थी नूपिलान की मायराबाई भी नूपिलान होता है युद्ध और मायराबाई का मतलब होता है जलती मसाले माने युद्ध की जलती मसाले जो मणिपुर में वो था और जो भी महिलाएं माना एक मजदूर है वो अपने पैसे का लेन देन कर रही है और अपने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चला रही है, तो वो भी तो मशाल है ना तो उसके लिए सशक्तिकरण का एक अलग तरीका है मेरे सशक्तिकरण का बिल्कुल अलग तरीका है एक वर्किंग भी मैंने घर में रहती है उसके सशक्तिकरण का बिल्कुल तो हम सशक्तिकरण को एक पैमाने में नहीं ले सकते हर स्त्री के लिए और हर पुरुष के लिए जीवन कौशल और सशक्तिकरण का बिल्कुल अलग तरीका हो सकता है है ना पूरी किताब वहीं समर्पित हाँ, तो वो किताब मैंने उनको समर्पित करी दूसरी किताब मेरी आई थी की डार मैंने बताया था उसमें मेरे बचपन के 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 संस्मरण है नौ -दस साल तक जब से से मैं मुझे याद रही होगी तब लेकर कि पहाड़ों में बच्चे कैसे होते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है उनके रिश्ते क्योंकि मेरा बचपन बहुत संपन्न बचपन रहा है रिश्तों से रिश्तों से बहुत संपन्न रहा है तो वो पूरा माहौल एनवायरमेंट खेल वो सब चीजें है पशु पक्षी सब है उसमें वो एक की डार है उसके बाद मेरी एक किताब आई मैंने विद्यासागर नोटियाल जी की जो स्त्री आधारित की जो कहानियां हैं उन सारी किताबों कहानियों का संकलन किया वो समय से आई कमल जोशी थे एक पत्रकार उन्होंने चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखी जब उनकी डेथ हो गई तो उनके वो पड़े हुए थे बिखरे हुए तो वो सारे इकट्ठे करके उसको संपादित करके चल मेरे पिट्ठू दुनिया देखने के नाम से एक संकलन निकाला यात्राओं का जो बहुत चर्चित रहा और लोग उसको उसके मित्र और सारे लोग बहुत पसंद करते हैं उसके अलावा मैंने खुद का यात्रा संस्मरण निकाला मन बन जा रहा है जो मैंने पूरी जिंदगी भर यात्राएं करी पूरे भारत में कहीं भी है ना तो वहाँ के जो मेरे संस्मरण थे यादों के आधार पे वहाँ के लोग वहाँ के नाम जो मेरी डायरों में मौजूद थे वो सब करके मैंने एक यात्रा यात्राओं का उसमें स्त्रियां बहुत मौजूद हैं जो मेरा यात्रा लगातार स्त्रियों के लिए काम करते रहे और हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी हम आपको पढ़ते रहें सुनते रहें और स्त्री विमर्श के साथ लेखन का काम भी आप सदैव जारी रखेंगे आप स्टूडियो में आपका बहुत बहुत आभार फिलहाल दखल साहित्य में इतना ही आप देखते रहिए दखल न्यूज और हमारे साथ खबरों की दुनिया से जुड़े रहिए नमस्कार नमस्कार आप देख रहे हैं दखल न्यूज